माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे विधानसभा से लाए गए, तो उस समय उनको जैसा उन्होंने बताया कि उस समय जो उनको चक्कर आ रहा था, तो चक्कर आने की वजह के बाद में उनको थोड़ा सा जैसे पैल्पिटेशन सा फील हुआ, तो उस तुरंत वहाँ पे उपस्थित जो फिजिशियंस थे उन्होंने देखा, और देखने के बाद में जो यहाँ पे जब लाए तो ब्लड प्रेशर वगैरह एकदम ठीक है, शुगर सर का लेवल ठीक है एकदम, और साथ ही साथ ECG की फाइंडिंग ठीक है। ब्लड के सैंपल्स लिए जा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट आने में भी थोड़ा समय लगेगा, बाकी एक्सरे सर्वाइक स्पाइन में थोड़ा सा उनके स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस हैं, वो कि जैसा कि ज्ञात हुआ कि वो पूर्व से ही उस समय है, तो इस समय एट द मोमेंट कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी उन सर को थोड़ा दिक्कत हुआ था तो इस वजह से उनको यहाँ पर आराम करने की सलाह दी गई है, और एक बार जब रिजल्ट्स पूरी तरह से आ जाते हैं तो रिजल्ट जब आ जाएंगे तो उसके बाद में फिर फाइनल बताया जाएगा। ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट हो गया है, जो कि पेन और उसके लिए जो सर्वाइकल स्पाइन का पेन और जो मसल का स्पैस है उसके लिए नहीं, अभी एज इट इज़ जितनी भी जाँचें हुई हैं सारी जाँचें लगभग ठीक हैं, एक्सेप्ट फॉर स्पाइन, जैसा कि बताया कि स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस हैं वो सर को पहले से हैं, अभी ब्लड की रिपोर्ट और रिपोर्टें जब आ जाएंगी तो उसके बाद में फिर फर्दर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। अभी तो इसीलिए तो लटाया हुआ कि एक बार जब जांच हो जाए, जब जांच हो जाएगी तो जांच की रिपोर्ट आ जाए, तो रिपोर्ट आने के बाद में सारे डॉक्टर्स वगैरह परीक्षण कर लेंगे, फिर अगर जैसा भी होगा फिर बाद में बताएंगे। थैंक यू सर।